पेन हमने ये मोटे वाली वूल यूज की है ये वर्धमान की वूल है तो हमने ये ली है और इसके साथ हम ये four, चार नंबर की सिलाई यूज़ करेंगे यानी कि mm, तो देखिए चार नंबर की सिलाई सिक्स एम एम यूज करेंगे तो इसके साथ हम बेबी कैप बनाएंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इस नीडल को लेंगे और सिंगल धागे के साथ हम यहाँ पर चालीस फंदे डालेंगे तो देखिए इस तरह से दो तीन इसको ना तो ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज हाथ से हमने फंदे डालने हैं तो इसे नॉर्मल हाथ से ही हम फंदे डालेंगे लूज हाथ से और ये बहुत ही इजी कैप है बनाने में तो झटपट से ये बन जाती है अप्रोक्स दस से पंद्रह मिनट में आप इसे बना सकते हैं तो इस तरह से हम ये सारे फंदे डाल लेते हैं ये देखिए हमने यहाँ पर चालीस फंदे डाल लिए हैं और इसको हम बुनना स्टार्ट करेंगे तो यहां पर हम वन बाय वन रिबिंग स्टिच का बॉर्डर बनाएंगे सिंपल बॉर्डर बनाएंगे तो देखिए धागा आगे करेंगे एक एक फंदा फंदा सीधा बुना फिर उल्टा बना लेंगे धागा पीछे करेंगे फिर से एक फंदा सीधा एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक उल्टा सीधा और लास्ट में एक फंदा उल्टा बना लेंगे तो देखिए हमारी फर्स्ट रॉ कम्प्लीट हो गई है ये हमारी सेकंड रॉ है और रॉन्ग साइड है इसे भी हम जो फंदे जैसे दिखाई देंगे वैसे ही बनाएंगे एसटी स्लिप कर लेंगे धागा आगे करेंगे एक फंदा उल्टा उल्टा है उल्टा बुन लेंगे सीधा फंदा सीधा उल्टा, 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 उल्टा सीधा फंदा उल्टा सीधा फंदा सीधा लास्ट का फंदा उल्टा बना लेंगे तो ये हमारी सेकेंड रॉ कंप्लीट हो गई है अब थर्ड रॉ है थर्ड रॉ भी सेम रॉ फर्स्ट की तरफ बुनेंगे और फोर्थ रॉ रॉन्ग साइड रॉ से बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं तो दो रॉ हम और बना लेते हैं रॉ थर्ड और फोर्थ रॉ फर्स्ट एंड सेकेंड की तरह बुनकर कंप्लीट करेंगे ये देखिए हमने इसकी चार रॉ वन टू थ्री फोर रॉ बना ली है अब हम सीधी साइड में आ गए हैं तो अब हम ऊपर देखिए ऐसे इसे स्लिप करेंगे और सभी फंदे सीधे सीधे बुनकर कंप्लीट करेंगे तो इस सारी रो को हम इस तरह से सीधे सीधे फंदों के साथ बना लेंगे देखिए ये हमने फर्स्ट रॉ कंप्लीट कर ली है सीधे फंदों के साथ अब रॉन्ग साइड में आ गए हैं तो इसे ऐसे निट वाइज स्लिप कर लेंगे और इस सारी रॉ को भी हम ऐसे सीधे सीधे फंदों के साथ ही बनाएंगे तो इस रॉ को भी हमने सीधे फंदों के साथ ही बुनना है ये देखिए ये हमारी सेकंड रॉ भी कंप्लीट हो गई है अब ऐसे ही फिर से हम सीधी साइड में आए हैं इसे स्लिप कर लेंगे और इन सारे फंदों को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पर हमने ये देखिए यहाँ पर ये हमारी वन रिज बनी है ऐसे ही हमारी यहाँ पर फिफ्टीन पंद्रह रिजेस हम बनाएंगे एक साइड में और पंद्रह रिजेस ही हमारी रॉन्ग साइड में बनेंगी तो टोटल हमने यहाँ पर तीस रॉ बनानी है तो दो रॉ हमने बना ली है ये तीसरी रॉ स्टार्ट की है तो ऐसे ही हम इसकी ये टोटल तीस रॉ बना लेंगे हमने बना लिया, 28 और बनाकर आगे आपको दिखाते हैं। तो ये दिखाती हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन पंद्रह रिजिस इस साइड में और पंद्रह ही इस साइड में बनी है ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन तो दोनों साइड में हमारी पंद्रह पंद्रह रिजिज बन गई हैं। अब हम इस आ, कैप को जो है वो सिलेंगे इसको बाइंड ऑफ करेंगे फंदों को तो किस तरह से करेंगे वो मैं आपको बताती हूं तो देखिए यहां पर आप जो इसकी लेंथ है ये अपने हेड के अकॉर्डिंग रख सकती हैं इसे आप कम जा या ज्यादा भी कर सकते हैं अगर आप इसे छोटे बच्चे के लिए बिल्कुल आप न्यू बॉर्न बेबी के लिए बनाना चाहती हैं तो ये पंद्रह की जगह आप यहां पर बारह या ग्यारह रिजिस बना सकते हैं तो उसी हिसाब से फिर ये जो है वो बढ़ते जाएंगे बाकी आप अपने हेड के हिसाब से देख लीजिएगा कि, कि कितनी आपको ये चाहिए होगी तो यहां पर हमने फिफ्टीन ये बना ली और फोर रिजिस नीचे से बना है तो तीस रो ये बनाई है और चार रो यहाँ पर बनाई तो टोटल तो हमने चौंतीस रो इसकी बनाई है बॉर्डर से लेकर तो ले तो और ये हमने चालीस फंदे डाले हैं तो बीस फंदे मैं इस नीडल पर शिफ्ट कर लूंगी तो देखिये वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एट्टीन नाइनटीन ट्वेंटी तो बीस फंदे हमारे होंगे दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस और इस साइड में भी दो चार छ आठ दस बारह चौदह सोलह अठारह बीस फंदे हो गए हैं तो अब देखिए ये हमने इस तरह से इसको स्टिच करना है तो हम यहां से लेकर यहाँ तक स्टिच करेंगे क्योंकि हमारा ये धागा जो है ये इस साइड में है तो ये जो हमारी नीडल है इनको हम इस साइड में लेकर जाएंगे तो जैसे हम ये देखिए दूसरी नीडल ले, ले लेंगे और इसको इस तरह से सभी फंदों को इस नीडल पर शिफ्ट कर लेते हैं जो सीधी साइड उसको अंदर की साइड रखेंगे ये ये देखिए हमारी नीडल जो है इनको हम इस तरह से इस तरह से फोल्ड करेंगे ये हमारी जो रॉन्ग साइड है वो बाहर अंदर की तरफ रहेगी सॉरी अंदर की तरफ हमारी राइट साइड रहेगी और बाहर की तरफ हमारी रोंग साइड जो है वो रहेगी तो अब हमने इनको दो फंदों का एक फंदा बनाते हुए बाइंड ऑफ करना है सभी फंदों को तो दूसरी डर लेंगे जैसे हम आ, करते हैं आ, वैसे ही इसको कर लेंगे तो हम देखिए ये देखिए दो फंदों का इस तरह से एक फंदा बनाते हुए इसको बाइंड ऑफ करेंगे दो फंदों का एक फंदा बना लिया तो इसको आपने ना तो ज्यादा टाइट और ना ही ज्यादा लूज लूज हाथ से बाइंड ऑफ करना है इसे नॉर्मल हाथ से ही बाइंड ऑफ करेंगे फिर से दो फंदों का एक फंदा अब ये वाला फंदा ऊपर से इस तरह से ड्रॉप कर देंगे ये देखिए फिर से दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे और इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे इसको ऊपर से ड्रॉप करेंगे तो अब देखिए यहां पर हम इस धागे को कट कर देंगे तो ज्यादा लंबा धागा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमने इसे स्टिच तो कर दिया है नीडल के साथ ही तो इसलिए हम इसे यहां से थोड़ा सा धागा छोड़कर कट कर देंगे तो इस तरह से, से खींचेंगे तो ये अच्छे से क्लोज हो जाएगा तो देखिए ये सारे फंदे बाइंड ऑफ हो चुके हैं और हमारी ये कैप जो है वो बन चुकी है अब यहाँ पर हम इसके जो है वो आ, नीचे से बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे तो देखिए यहाँ पर हम क्रोशिया के साथ इसको बना लेंगे तो नीचे से बांधने के लिए हम ये क्रोशिया ले लेंगे और यहाँ से ये हमारा जहां से हमने फंदे डाले थे वहां से ही इसको बनाना स्टार्ट करेंगे तो इस तरह से इसको बनाते जाएंगे ये देखिए जितना भी आपको ये चाहिए होगा उतना ही लंबा हम यहाँ पर नीचे से इसकी बेल्ट बना लेंगे ये देखिए इस तरह से हम यहां से ही इसको टर्न कर लेंगे तो यहां से इस तरह से निकालेंगे दो फंदों का एक फंदा बना देंगे हम सभी लूप्स में से ऐसे ही बनाते हुए हम एंड तक इसको बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं ये देखिए हमारी कैप बन गई है अब हम यहाँ पर एक पम्पम लगाएंगे तो उसके लिए ये देखिए ये हम इस तरह से ऊल को ले लेंगे और ये इसको इस तरह से हाथ पर तो इसको इस तरह से लेकर हम सेंटर से इसको बांध लेंगे इसको बहुत ही टाइट हम बांधेंगे लूज बिल्कुल भी नहीं बांधना है जितना भी टाइट हो सके उतना ही इसको टाइटली हम बांध लेंगे ये देखिए हम इसको हम साइड से कट करेंगे तो इसको हम ऐसे आ, कट करते हुए जाएंगे जब तक कि हमें परफेक्ट इसकी शेप ना मिल जाए तो इसको हम अच्छे से चारों तरफ से कट कर लेंगे तो ये देखिए हमारा पंपम बनकर रेडी है अब हम इसको यहाँ पर लगाएंगे तो इसके लिए मैंने ये धागे को नीडल में डाल लिया है इसको ये देखिए इस तरह से अंदर से लेकर आएंगे धागे को इसके बीच में से निकालेंगे और यहां पर अच्छे से स्टिच कर देंगे लगा लेते हैं और एक तो और इसकी सिलाई कर देंगे ताकि ये अच्छे से पक्का हो जाए देखिए सभी धागे जो हैं इनको कट कर देंगे तो हमारी जो कैप है वो बनकर रेडी है ये देखिए कितनी प्यारी सी हमारी कैप बनी है तो फ्रेंड आप भी इसे इजिली घर पर बना सकते हैं इसको सिर्फ आप दस से पंद्रह मिनट में ही ये कैप बनाकर रेडी कर सकते हैं तो ये पहनने के बाद ये देखिए बहुत ही प्यारी सी आ, कैप जो है वो बनेगी बहुत ही प्यारा सा लुक आएगा तो फ्रेंड आप भी इसे बनाइए और अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत खोलें तो मिलते हैं ऐसे ही और नए नए वीडियो के साथ बाय बाय